बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं कैसर मलिक आप लोगों के साथ सर्वेइंग इंजीनियरिंग डिज़ाइन इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो के अंदर अपनी अलाइनमेंट के बारे में सीखा था कि हम अपनी अलाइनमेंट क्रिएशन टूल के ऊपर हम अपनी अलाइनमेंट को कैसे लगा सकते हैं। तो उसके मतलब मैंने आपको अलाइनमेंट लगाने का तरीकाकार भी बताया था और उसको एडजस्ट करने का तरीकाकार भी बताया था। इससे आगे हम आते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि इधर क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट है, ये आप कैसे बना सकते हैं। इसके मुताबिक हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो आपने क्या करना है, किराए कोई भी अलाइनमेंट आप लगानी है, आप पॉली लाइन ले लें, इधर से पी एल की कमांड ले लें और इधर आप कोई भी अलाइनमेंट आप लगाना चाहते हैं वो आप अलाइनमेंट इधर से लगा लें उसकी। जैसे ये मैं लगाता जा रहा हूँ आपके सामने, आप इसकी मुख्तलिफ पी आईज को आप बना सकते हैं। जैसे हम सपोज उसको टर्न करते हैं और आगे तक इधर तक लेके जा रहे हैं। ये हमारी आप देख रहे हैं कि एक हमने पॉली लाइन लगा दी है जिसके ऊपर हम अपनी अलाइनमेंट को ड्रा करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमने क्या करना है, एक इधर अपने हम ड्राइंग के ऊपर से कोऑर्डिनेट भी लगा सकते हैं और बाकी चीज़ें भी। तो उसके बाद आपने इधर से ऊपर आ जाना है और इधर से आपने अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। तो अभी आपसे ये पूछ रहा है सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, नीचे आप देख रहे हैं कि लाइन आर्क है, पॉली लाइन और एक्स रेफ ड्राइंग, कोई भी ड्राइंग इस टाइप में आपकी होगी तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने पॉली लाइन लगाई है, इसको मैंने इधर सेलेक्ट करके राइट क्लिक कर देता हूँ। तो अभी आप ये आप एरो के निशान आप देख रहे हैं कि ये आ रहा है, ये आप रिवर्स लेके ना जाना चाहते हैं या सीधी लेके जाना चाहते हैं, हम इसको सीधा ही लेके जाना चाहते हैं जिस तरफ डायरेक्शन को जा रही है। अगर रिवर्स आप इसकी आईडी को इधर से चलाना चाहते हैं तो आप इधर से रिवर्स पर क्लिक कर दें, नहीं तो आपने इसको इधर से राइट क्लिक करके इंटर कर देना। इंटर करेंगे तो ये टेबल हमारे सामने आ जाएगा। इधर आप अपने रोड का नाम लिख लें, हमारे पास ये रोड है, रोड 3 R3 हम इसका नाम दे देंगे। नीचे इसी तरीके से प्रपोज हमारी ये लाइन है, इधर नो लेवल आया हुआ है, आपने इधर से ऑल लेवल्स कर लेना है। इधर आप देख रहे हैं कि डिफॉल्ट रेडियस 200 का आ रहा है, तो उसको आपने फिलहाल हम इसको इधर रहने देते हैं, इसको आगे हम चेंज कर देंगे। आगे वही चीज़ें जो हमने आपको पीछे बताई थी इसके डिज़ाइन क्रिएटिविटी के मुतालिक, 100 किलोमीटर की स्पीड है, स्टार्ट RD हमारी 0-0 है। और इसके बाद अगर आपने नाम लिखना है, डिस्क्रिप्शन को देना चाहते हैं दे दें, इधर से आप इसको इधर से ओके कर देना। ओके करेंगे तो आप देखेंगे हमारी RDs इधर लग गई हैं और पूरी लाइन इसकी इधर से सारी कन्वर्ट हो गई है। ये जो रेडियस लगा हुआ है ये 200 का रेडियस इसके ऊपर आ रहा है। तो रेडियस इसका भी रेडियस वगैरह आप चेंज कर सकते हैं जिस तरह हमने पीछे किया था मैनुअल, भी आप इधर से भी इसको मौके के हिसाब से अपनी अलाइनमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। अपनी ये आप देख रहे हैं कि दूसरी कर्व आ रही है, आप इधर से भी इसको सिलेक्ट करके इसका पी आई पॉइंट भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसको छोटा और बड़ा इधर से आप इसको ईजीली कर सकते हैं, जिधर भी आप लेके जाना चाहते हैं एडजस्टमेंट इसकी आप कर सकते हैं। जैसे आप भी देख रहे हैं कि ये 200 रेडियस के ऊपर आगे भी हमारी कर्व लगी हुई है और इधर इसी तरीके से ये पूरी एंड तक ये हमारी जा रही है। तो जैसे आप जो जो से भी डायरेक्शन इसकी चेंज करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं अपने टॉपों के हिसाब से, आप इन चीज़ों को इधर से उसको चेंज कर सकते हैं, इसकी अलाइनमेंट्स वगैरह को। एक तो मेथड ये है बस। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था सेम टू सेम वही है, आप इसको इधर से क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपने इधर से राइट क्लिक करना है और इधर से अलाइनमेंट एडिट अलाइनमेंट ज्योमेट्री के ऊपर आपने इधर से आ जाना है। आप जब आते हैं तो ये आप देख रहे हैं कि अलाइनमेंट लेआउट R3 आ गई हमारी, आपने इसको कैसे लेकर आना है, आपने इसको इधर से क्लिक करना है, इधर से सेंटर लाइन को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और एडिट अलाइनमेंट ज्योमेट्री इसके ऊपर आपने आ जाना है। इधर से आप किसी भी कर्व का रेडियस वगैरह और इसकी बाकी डेटा पे माए इसकी कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। उधर से अलाइनमेंट ग्रिड व्यू के ऊपर से ये ग्रीन कलर का सैंड बना होगा, आप इसके ऊपर आते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि सेम टू सेम उसी तरह टेबल हमारे पास सारा ओपन हो गया, जिसमें हमारे पास पूरी कर्व की डिटेल है, रेडियस है, हमारे पास पहली लेंथ आ रही है, उसके बाद इनके पूरी जो जो भी लाइन जा रही है हमारी फिक्स है और ओपन है, जो भी लाइन है हमारी सारी उसकी इधर डिटेल आ रही है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि इधर हमारे पर रेडियस है 106 है, 296, 313, 563 और इधर आगे हमारे पर डिफ्लेक्शन एंगल है, जिधर से कर्व स्टार्ट हो रही है एंड हो रही है, उनके स्टेशन है, डेल्टा एंगल है हमारे पास, और उधर से इसी तरह कॉर्ड लेंथ और क्लाक वाइज और एंटी क्लाक वाइज कर्व की डायरेक्शन वगैरह इधर आ रही है, और आखिर में हमारे पास कर्व कर्वेचर डिग्री ऑफ कर्वेचर हमारे पास आ रहा है। तो इधर से भी आप इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं कैसे करके। सपोज ये आप देख रहे हैं कि हमारी फर्स्ट कर्व है, फर्स्ट कर्व का जो रेडियस है हमारे पास वो है इधर हमारे पास 1068, आप इधर इसको डबल क्लिक करेंगे और इधर से आप इसका रेडियस कोई भी रखना चाहते हैं, 1500 में रख देता हूँ, करेंगे तो आप देखेंगे ये रेडियस इधर से इसका चेंज हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट कर्व है हमारे पास, इसका भी रेडियस 296 है, आप इसका रेडियस 350 करना चाहते हैं, रेडियस चेंज कर दें तो ये हमारी कर्व इधर से चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से आप नेक्स्ट इसके ऊपर आगे आ जाए, जो जो सी कर्व के ऊपर जो जो से भी आप करना चाहते हैं उसको आप कर सकते हैं। इसका रेडियस मैं इधर से 350 रख देता हूँ,
तो आप देखेंगे ये लाइन हमारी आगे शिफ्ट हो गई। इसी तरीके से मैं उसको 400 के ऊपर लेके जाता हूँ रेडियस को, ये लाइन हमारी और आगे हो जाएगी। तो ये आपने इसके हिसाब से ही इसकी एडजस्टमेंट वगैरह सारी कर सकते हैं। 600 के ऊपर जो नेक्स्ट वहाँ पर रेडियस आ रहा है उसको भी हम इधर से 600 करेंगे, तो ये रेडियस हमारा इधर से चेंज हो जाएगा। ये वाला जो कर्व जा रही है, ये रेडियस वगैरह आप मौके के ऊपर भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं, और इधर से सिविल 3D के ऊपर भी आप आके कर सकते हैं। इधर से मैंने आपको पहले बताया कि इधर से आप कोई भी चीज़ चेंज करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कॉर्ड लेंथ हमारे पास 698 आ रही है। आप इसको अगर राउंड फिगर में रखना चाहते हैं, 700 रखना चाहते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली इधर से चेंज हो जाएगा और रेडियस भी हमारा इधर से उसका चेंज हो जाएगा। पहले हमने इसका रेडियस 1500 रखा था, अब ये हमारे पास 1503 है। सपोज नीचे वाला 350 के ऊपर है, उसकी मैं इधर से कर्व लेंथ को इधर से मैं 40 मीटर के ऊपर ले जाता हूँ कि 40 मीटर की मुझे कर्व चाहिए। तो इधर से आप देखेंगे जब, तो ये हमारे पास आप देखेंगे ये 350 से बढ़ के वो 381 के ऊपर ये आ गया। तो इधर से आप वेजू से भी अमाउंट इसका चेंज करेंगे इनकी, तो ये हमारे पास सारी इसकी कर्ज वगैरह सारी चेंज होती जाएंगी। इसकी ये सारी सेटिंग्स वगैरह आप इसकी आराम से कर सकते हैं, और अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट के ऊपर। इसके ऊपर कोऑर्डिनेट्स आप अपने कोऑर्डिनेट ड्राइंग के कोऑर्डिनेट भी लगा के, और जो ड्राइंग के अंदर आपको दिए गए हैं उसके ऊपर भी जो अलाइनमेंट लगाई जाएगी वो आपने ऑब्जेक्ट फ्रॉम अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट के ऊपर ही लगानी है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो अभी इसके बाद ये अलाइनमेंट्स वगैरह हमने लगा दी हैं सारी। इधर से आप कोई भी अलाइनमेंट मजीद भी ऐड करना चाहते हैं उसको आप इसी तरीके से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे ऑफसेट्स। आप ऑफसेट्स इसके कैसे लगाएंगे, अलाइनमेंट के ऊपर आ जाते हैं। नीचे आप ये देख रहे हैं कि ऑफ क्रिएट ऑफसेट अलाइनमेंट्स है, आप इधर से इसको क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद कोई भी सेंटर लाइन जो डिज़ाइन की आपने लगाई है, सपोज आप ये देख रहे हैं कि रोड 3 की लगाई थी, इसको मैं इधर सेलेक्ट कर लेगा। ये ऊपर आ गया रोड 3, रोड 1, 2, 3। इधर से आप कोई भी रोड सेलेक्ट कर लेंगे, जो जो सी अलाइनमेंट लगी हुई तो सारी आपके सामने आ जाएंगी। मैं जैसे रोड 3 को करता हूँ तो नंबर ऑफ ऑफसेट आ रहा है। अगर 1-1 ऑफसेट लगाना चाहते हैं, नीचे ऑफसेट है 3-3 मीटर का, तो 1-1 ऑफसेट आपका 3-3 मीटर का इधर लग जाएगा। हम इसको लगाते हैं आगे। इसी तरह आप ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास अलाइनमेंट आ गई ऑफसेट्स की। नो लेवल है, लेवल जाहिर है कि सेंटर लाइन के ऊपर हमारे पास सेंटर लाइन के सारे बने हुए हैं, तो हमें इसकी लेवल की जरूरत नहीं है। हम इसको इधर से ओके करते हैं तो आप देखेंगे कि दोनों साइडों के ऊपर इसके 3-3 मीटर के ऊपर इसके सारे ऑफसेट इधर हमारे ड्रा हो गए। इसी तरीके से आप दोबारा आ जाएँ इसके ऊपर अलाइनमेंट के ऊपर ऑफसेट अलाइनमेंट्स, उधर से आप इसको दोबारा इसको सेलेक्ट कर ले। तो अभी आप देख रहे हैं कि 3-3 मीटर के ऊपर हमने पहले लगाए थे, अभी हम लगाना चाहते हैं तो 3 ऑफसेट लेफ्ट साइड के ऊपर, 3 ऑफसेट राइट साइड के ऊपर। जो लाइन की विड्थ है वो हम रखना चाहते हैं 3.60 की, 3.60, और दूसरी साइड के ऊपर भी हम रखना चाहते हैं इसकी अलाइनमेंट को 3.60। तो जैसे मैं उसको ओके कर दूंगा तो अभी आप देखेंगे कि सारे हमारे अलाइनमेंट इधर अपडेट हो गए। ये पहले वाले जो अलाइनमेंट लगे हुए थे, ये हमारे 3-3 मीटर के ऊपर लगे हुए थे, इसको मैं जैसे ख़त्म कर देता हूँ, ये हमारे अलाइनमेंट इधर चेंज हो जाएंगे। इसी तरीके से कोई भी अलाइनमेंट के ऊपर आप जो भी ऑफसेट अलाइनमेंट लगाएंगे वो सारी लग जाएगी। तो जैसे आप अलाइनमेंट के ऊपर आते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि जैसे हमारे पास सेंटर लाइन की अलाइनमेंट है रोड 1, 2, 3, वो नीचे हमारी ऑफसेट अलाइनमेंट आ गई। राइट साइड लेफ्ट 3.6, 7.2, 10.8, ये ऑटोमेटिकली उसने आगे लगा दिए हैं रोड 3 के अंदर। उसी तरीके से आप अलाइनमेंट अपनी कोई और भी लगाना चाहते हैं, ऑफसेट अलाइनमेंट हम सपोज है इस रोड के ऊपर लगाना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी आप लगा सकते हैं। इस इधर हम अपने ऑफसेट 2 ऑफसेट लगाना चाहते हैं 3.6 के, और इधर से आपने ये रोड 1 आ रहा है, इधर आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली इधर सेलेक्ट हुआ हुआ रोड 1, और इधर से आप इसको ओके करेंगे तो ये दोनों साइडों के ऊपर आपके पास 3.6 की दोनों लाइन्स इधर लग जाएंगी। इसी तरीके से आप दोबारा आते हैं ऑफसेट अलाइनमेंट के ऊपर और अलाइनमेंट को आप सिलेक्ट करते हैं, तो अभी हमने 2 अलाइनमेंट्स लगाई थी, तो 3.6 हमारे पास आ गया था 7.2। मैं कैलकुलेटर को जैसे ओपन करता हूँ तो ये आप देख रहे हैं 3.6 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 7.2 के ऊपर इधर हमारी ये लाइन लगी है। तो अभी इस लाइन को हम इधर से चेंज करना चाहते हैं तो वो आप ऐसे कैसे करेंगे। अभी सपोज मैं इधर से ऑफसेट येलो लाइन का लगाऊंगा, 1 ऑफसेट मैंने लगाना है, तो इधर से मैं ऑफसेट की हमारी विड्थ आएगी 2 मीटर की, तो 7.2 प्लस 2 कर दूंगा तो 9.2 के ऊपर हमारे पास ऑफसेट आएगा। तो इधर से आपने 9.2 और इधर से आपने 9.2 उसका ऑफसेट कर देना है और ओके कर देना। ओके करेंगे तो आप देखेंगे हमारे अलाइनमेंट इधर जो है ये 2 मीटर के ऊपर अलाइनमेंट इसकी आ गई है। तो ये आपने इसी तरीके से जो जो से भी ऑफसेट जितने लगाने उसके ऑफसेट आप इधर से चेंज कर सकते हैं और इजीली उनको लगा सकते हैं। इसी तरीके से आप इसके ऊपर अलाइनमेंट के ऊपर आते हैं ऑफसेट के ऊपर। अभी आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये एक रोड नंबर 2 जा रहा था जो हमने पहले बनाया था, तो इसके ऊपर अगर आप ऑफसेट 1 ही लगाना चाहते हैं, सपोज़ एक ही ऑफसेट बड़ा रोड का जो ROW एंड के ऊपर वो लगाना चाहते हैं 15 मीटर के ऊपर, तो आपने इसका इधर से 15 मीटर इसका कर देना। 15 मीटर करने के बाद आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे इसके दोनों ऑफसेट इधर से 15 15
मीटर के ऊपर इधर ड्रा हो गया। तो इस तरीके से आप अपनी अलाइनमेंट्स वगैरह को इजीली लगा सकते हैं, बहुत आसानी के साथ वर्किंग अपनी कर सकते हैं इधर सिविल 3D के अंदर। तो अभी आप देख रहे थे कि हमने पहले क्रिएशन टूल के ऊपर अलाइनमेंट को लगाया था, इधर से जो जो से भी अलाइनमेंट हमारी आ रही थी उसके ऊपर लगाया था सारी चीज़ों के हिसाब से। अभी हम सपोज हम एक और अलाइनमेंट लगा देते हैं रोड 4 के ऊपर, बाकी जो डिफॉल्ट सेटिंग है इधर प्रपोज आ रहा है। ऑफसेट के ऊपर जब हम गए तो इधर हमारे पास ऑफसेट आ रहा था, तो आपने प्रपोज है ऑल लेबल से ओके करनी है, और इधर से हमने इसकी वर्किंग की थी टेंजेंट टेंजेंट विद कर्व्स के ऊपर। तो इधर से भी आप इस तरीके से आप जो से भी अलाइनमेंट इधर से उसकी सेटिंग करना चाहते हैं, जिस तरीके से भी आप उनको लेके जाना चाहते हैं, तो अलाइनमेंट्स वगैरह आपकी इधर लग जाएगी। ये अलाइनमेंट हमारी फ्रॉम ये पहली थी अब क्रिएशन टूल के ऊपर। अगर आप इधर से क्रिएशन टूल के ऊपर अलाइनमेंट लगाते हैं तो कैसे लगाएंगे, ये हमने इससे पहले वाले सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ा था। इसकी भी सेटिंग वगैरह आप इसी तरह कर सकते हैं अपने एरिए के हिसाब से कि आप कितना उसको लेके जा सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम वो आपको बताएगा। दूसरे नंबर के ऊपर हमने ऑफसेट फ्रॉम ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाई है, तो ऑफसेट फ्रॉम ऑब्जेक्ट के ऊपर भी ये लाइन इसी तरीके से आप कोई इधर से लाइन अपनी कोई डिज़ाइन करना चाहते हैं उस लाइन को आप इधर से पहले बना लें, और बनाने के बाद आप इधर से पॉली लाइन को पहले लगा दें। लगाने के बाद आपने ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाना है, इसको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, तो और इधर से जो रिवर्स आप करना चाहते हैं रिवर्स कर दें, स्ट्रेट करना चाहते हैं स्ट्रेट करके इंटर कर दें। इंटर करके इधर से आपने रोड का नाम इसका चेंज कर देना है, रोड 4 आ जाएगा। इधर हमारे पास प्रपोज अलाइनमेंट है, प्रपोज के ऊपर आ जानी है, और इधर से डिफ़ॉल्ट रेडियस आपको जितना रखना चाहते हैं चेंज कर दें, और बाद में भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। ओके करेंगे तो ये अलाइनमेंट्स वगैरह हमारी इस टाइप की लग जाती हैं। तो ये इसमें सिविल 3D के अंदर अलाइनमेंट्स लगाने के ये दो मेथड हैं। उसके बाद तीसरा मेथड हमारा ऑफसेट अलाइनमेंट्स का है। तो आप इसी तरीके से कोई भी अलाइनमेंट्स वगैरह अपनी इस वीडियो की मदद से आप देख के लगा सकते हैं। अगली वीडियोज़ के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने कोई एग्जिस्टिंग रोड की जो वीडियोज़ उसको लगाना चाहते हैं जो आपको बताएंगे उसको आप कैसे इसके अंदर लगा सकते हैं, लेकिन वो एक कहलाता चैप्टर होएगा। तो ये अभी हमारा जो लेसन चल रहे हैं उसके अंदर ये हमारी जो अलाइनमेंट का आज का टॉपिक था अलाइनमेंट फ्रॉम ऑफसेट, तो अलाइनमेंट फ्रॉम ऑफसेट और अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, तो दोनों हम मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से इसके ऊपर अपनी वर्किंग कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इससे पहले भी मेरी ये 6 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं सिविल 3D के ऊपर। अगर आपने वो नहीं देखी, आप स्टार्टिंग पोजीशन पर हैं, तो आप उसको उधर से बिल्कुल 0 से इन वीडियोस को देख सकते हैं। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।